सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन सिटी में अपना कैंपस कायम कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख के हमरा कैंपस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मलीर एजुकेशन सिटी में सबसे पहले एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस कायम किया है। मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर साहब को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि आपने अचीव किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत, लगन सारी जो है वो आपके वाइस चांसलर साहब की है। मुझे खुशी है कि सिंध मदरसतुल इस्लाम एक स्कूल से फिर कायदे आज़म ने उनको कॉलेज बनाया और कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाने में हमारे डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब का हाथ है, जो कि हमेशा हमेशा हिस्ट्री इनको याद रखेगी। यूनिवर्सिटी से आज आप एक कैंपस की तरफ जा रहे हैं, मैन यूनिवर्सिटी से ये आपका पहला कैंपस है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप की यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज जामिया सिंध मदरसतुल इस्लाम के एजुकेशन सिटी कैंपस में शोबा इन्वायरमेंटल साइंसेस का आगाज किया जा रहा है। जो हमारा पूरा मास्टर प्लान है उसकी मालियत तकरीबन 12 अरब रुपए की है। ये सारी स्कीम जो फेज वन है, इंशाल्लाह दो साल में 2021 के अक्टूबर के महीने तक हमारा ये फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बेइंतहा खुशी है कि इस तकरीब में शरीक होने के लिए सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने हमेशा आवाज़ में आवाज़ दी है और जिन्होंने हाथ बढ़ाया है, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुमताज साहब हमारे वो दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा बगैर कभी भी किसी तबका के, ही हैज ऑलवेज हेल्प द इंस्टीट्यूशन पर्सनली, तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट फ्रेंड, लेकिन फॉर दिस इंस्टीट्यूशन हिज सर्विसेज आर मोस्ट कमेंडेबल। सो आई थैंक यू वेरी मच सर।